हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरीके से घर पर बहुत ही इजीली फेस पर होने वाले पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, पिंपल, एक्ने के स्कार्स या किसी भी तरह के स्कार्स को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक आलू लिया है और उसे अच्छे से पील करके अब मैं उसे बारीक बारीक काट लूँगी और इसे मैं एक पानी से भरे हुए बाउल में डाल दूंगी और यह मुझे सिर्फ एक बार ही वॉश करना है, जिससे कि इस पर जो भी डर्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसे मुझे ज़्यादा वॉश नहीं करना है क्योंकि इसमें से मुझे इसका स्टार्च अलग नहीं करना है। इसके बाद मैं इसे एक मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लूंगी। अब ये मेरा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं एक नींबू का, पूरे नींबू का रस डालूंगी। नींबू में और आलू में दोनों में ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है ये फेस पर होने वाले पिगमेंटेशन, स्कार्स, किसी भी तरह के कोई भी स्कार्स हैं या आँखों के नीचे के काले घेरे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से रिमूव करता है। अब ये हमारा एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पोटैटो लेमन के मिक्सचर को मैं एक आइस ट्रे में सेट होने के लिए रख दूंगी। मुझे ये छोटे छोटे अपने आइस क्यूब्स बनाकर तैयार करना है, इसलिए मैं इसे आइस ट्रे में डालूंगी और इतने मिक्सचर में करीब मेरे 10 से 12 आइस क्यूब्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसे रात भर के लिए फ्रीज़र में रखकर छोड़ दूंगी। हमारे पोटैटो लेमन आइस क्यूब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें से एक अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरीके से एक आइस क्यूब लेकर उसे अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई करें और इसे ऐसे ही अप्लाई करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें और आधे घंटे के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और इसके रेगुलर यूज़ से आपके स्किन पर अगर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल के स्कार्स हैं तो वो धीरे धीरे लाइटन होकर रिमूव होने लगते हैं। और अगर आप इसका रात में यूज़ करें तो आपको उसके और भी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसे रात में अप्लाई करके पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें तो आप देखेंगे कि इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन पे जितने भी पिगमेंटेशन या एक्ने हैं, पिंपल्स के स्कार्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे। और ये जो आइस क्यूब्स हैं इसकी वजह से आपकी पफी आइज़ या आँखों के नीचे के काले घेरे वो भी सब धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे। अब बहुत बार स्किन पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, इस आइस क्यूब की वजह से, पोटैटो लेमन आइस क्यूब से वो ओपन पोर्स श्रिंक होने लगते हैं, जिससे फाइन लाइन्स और जो रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं वो भी डिले हो जाते हैं। तो इसे एक बार रेमेडी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर हिट करें, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।